वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस नदी को जैविक मरुस्थल के तौर पर जो है जाना जाता है, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है। और किसको बोलते हैं झारखंड में, तो दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है गंदगी है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। इसी कारण से जो है इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट, ठीक है। तो ये जो दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर जो रिवर है, तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, इसका ओरिजिन कहां से होता है, ये हो गया लातेहार। लातेहार, लातेहार में कहां पर, टोरी क्षेत्र से, ठीक है। लातेहार के जो है टोरी क्षेत्र से होता है जो कि पलामू प्लेट्यू में पड़ता है, ठीक है, पलामू हिल्स ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर, ये हो गया। इसका अगर हम देखेंगे तो लेंथ जो होता है, लेंथ 592 किलोमीटर, ठीक है, बट ये झारखंड में जो चलती है ये कितना होता है, 290 किलोमीटर। इसका जो एरिया होता है 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। और चूंकि कहां तक ये, यानी कि कहां पर इसका मुहाना होता है, कहां पर ये मिलती है, ये जो है हुगली नदी में मिलती है दामोदर, कहां पे, कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा हो गया स्वर्णरेखा नदी। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये देखिए, स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो ये क्या हो गया, स्वर्णरेखा नदी। और इसका जो ओरिजिन है ये कहां पर है, नगड़ी, नगड़ी गांव में, और जगह का नाम क्या है, रानी चुआ, ठीक है, रानी चुआ, और ये कहां पर है, रांची में है, रांची से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी में ही झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है, 320 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल क्या हो गया, बूढ़ागाग, जो कि लातेहार में जिला में पड़ता है, और किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर या लोध नदी पर है, ठीक है। इसी तरह दक्षिणी कोयल भी है, तो दक्षिणी कोयल रिवर का जो है ये भी ओरिजिन कहां होगा, सेम यहीं पर होगा, दक्षिणी कोयल का भी ओरिजिन नगड़ी गांव से ही हुआ है, रानी चुआ से, ठीक है। अब अगर संख नदी की बात करते हैं तो संख नदी का ओरिजिन जो है ये कहां से है, इसका ओरिजिन, ठीक है, इसका ओरिजिन अगर बात करेंगे संख नदी का, तो ये कहां पर हुआ है, गुमला चैनपुर में, गुमला चैनपुर से हुआ है। और इस नदी में जो है बहुत अधिक मात्रा में हीरा पाया जाता है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है लागू कब होता है। देखिए, अगर हम संथाल परगना की बात करेंगे, संथाल परगना की बात करते हैं, तो संथाल परगना में जो पहला रैयती कानून बना था, ठीक है, रैयती मतलब पहली रैयती कानून, रैयत किसको बोलते हैं, वहां के जमीन का मालिक को, तो रैयत से संबंधी जो कानून बना था ये कब बना था, 1972 में बना था, ठीक है, सॉरी 1872 में बना था, कब बना था, 1872 में जो है
कानून बना था, 1872 में कानून बना था इससे रिलेटेड। ये बेसिकली कहां पर, ये कानून कहां कहां के लिए था, संथाल परगना जो जिला है वहां पर किसी भी जो है जो आदिवासी लोग हैं उसकी जमीन को जो है हम जो नॉन ट्राइबल लोग हैं जो गैर आदिवासी है उसको ट्रांसफर जो है नहीं किया जा सकता था, ये इस कानून में प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक है, तो ये जो कानून है इसमें जो तैयार हुआ क्या हुआ, जमीन सर्वे हुआ और जमीन का जो सर्वे किया गया वो किसके द्वारा किया गया, मैकफर्कस, एक्सन और गेंजर। ठीक है, देखिए मैकफर्कस ये लोग थे, मैकफर्कस, फिर एक्शन ये व्यक्ति का नाम है एक्शन, और प्लस जो है गेंजर। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, एक जमीन का जो है जमीन सर्वे किया, सर्वे का रिपोर्ट को जो है तैयार किया। ठीक है, रिपोर्ट को क्या किया, तैयार किया। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है क्या किया गया, संथाल परगना का जो है कानून बना, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के आधार पर जो है जो संथाल परगना का काश्तकारी अधिनियम है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और कब लागू हुआ ये, ठीक है, बनता तो है 1976 में बट लागू जो होता है 1876 में ही बनता है, बट लागू जो होता है ये कब होता है, 1949 में होता है। ठीक है, 1949 में जो है इसको लागू होता है, 1949 में भी कब, 1 नवंबर 1949 को जो है इसका निर्माण किया जाता है, इसको लागू किया जाता है, मेनली 1949 है, बट कभी कभी जो है ये 1876 भी देखने को मिलता है। 1876 में जो है ये बना था बट लागू जो इसको किया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को, कब, 1949 में जो है इसको लागू किया गया। इसमें जो अनुसूची की संख्या थी, देखिए इसमें क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो इसमें अनुसूची थी ये अनुसूची का संख्या कितना है, 2 है। इसमें कुल चैप्टर कितने, अध्याय कितने इससे रिलेटेड, अगर अध्याय की बात करेंगे तो 9 अध्याय है। चैप्टर अनुसूची कितना है, 2 है, चैप्टर कितना है, 9 है, धारा कितना है, यानी कि जो इसमें धारा लगाई गई है 72 धारा जो है लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1949। लागू होने की बात की जा रही है तो 1949। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है इसको लोधघाग, इसको जो है बूढ़ा घाग के नाम से जानते हैं, बूढ़ा घाग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो लोधघाग के भी नाम से जानते हैं इसको, बूढ़ा घाग। ठीक है, इसको जो है बूढ़ा घाग के नाम से भी जानते हैं, या सिंपली जो है इसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, किस नदी पर है अगर पूछा जाएगा तो किस नदी पर है, ये लोध नदी पर है, लोध नदी भी लिखते हैं, या कहीं कहीं पर जो है इसको बूढ़ा नदी भी लिखते हैं, नदी भी लिखते हैं। ठीक है, और ये नदी जो है किसकी सहायक नदी है, औरंगा नदी की सहायक है। ठीक है, सहायक है, और ये औरंगा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, नॉर्थ कोयल की। ठीक है, इसको उत्तरी कोयल ही लिखिए, ये जो औरंगा नदी है किसकी सहायक है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, उत्तरी
कोयल की सहायक। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो प्रिफरेंस अगर ये रहेगा तो एक नंबर प्रिफरेंस पे ये देंगे, फिर दो नंबर पे ये देंगे और तीन नंबर पे ये देंगे, और मान लिया ये दोनों नहीं है तो तीसरा भी उत्तरी कोयल नदी भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम इसका हाइट पूछा जाए कितनी ऊंचाई पर है, तो इसका हाइट जो है 468 फिट है। ठीक है, 468 फिट है, लेकिन मीटर में पूछा जाए तो 142.6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 468 फिट और 142.6 मीटर हो गया, और ये भारत का 21वां ऊंचा जो है वाटरफॉल है, बुढ़ागांव वाटरफॉल जो है भारत का 21वां सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल है, 21 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा हो गया, ये तीनों पंचघाघ लावाघाघ ये तीनों कहां पर है, खूंटी में है। ठीक है, पंचघाघ कहां पर है, खूंटी में है। अब देखिए अगर उलुंग की बात करेंगे तो ठीक है, ये तीनों जो पंचघाघ हो गया, लावाघाघ हो गया, उलुंग हो गया, ये सभी जो है खूंटी में वाटरफॉल है। फिर इसके अलावा देखिए कि ये बूढ़ा घाघ जो है किसके नजदीक है, इसके नजदीक है जो ये एरिया है इसमें कौन सा रिजर्व है, पलामू रिजर्व। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यहां पर क्या है, पलामू। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यानी कि बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है इसके नजदीक में कौन सा टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व है। और ये कब बना था, 1976 में बना था। अगर इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया तो ये बहुत बड़ा है, तो एरिया कितना है इसका, 752.94 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। ठीक है, अब लातेहार की अगर हम बात करते हैं तो लातेहार जो है, और इस जिले का निर्माण कब होता है, ये जिला कब बनता है, 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को ये क्या होता है, जिला बनता है, और ये पहला जिला है झारखंड फॉर्मेशन के बाद, फर्स्ट जिला है लातेहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, तो अगर खास करके बात कीजिएगा तो सिंहभूम क्षेत्र में जो जो मेन लीडर था ये कौन था, राजा अर्जुन सिंह था। ठीक है, और राजा अर्जुन सिंह जो था मेनली कहां का राजा था, ये पोरहाट का राजा था। ठीक है, पोरहाट का। तो देखिए 1857 की बात हो रही है झारखंड में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र। ठीक है, सिंहभूम का क्षेत्र है, और सिंहभूम में कहां पर, पोरहाट। पोरहाट का राजा कौन था, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, अब ये जो अर्जुन सिंह था ये किसका बेटा था, ये अर्जुन किसका सिंह किसका बेटा, सन ऑफ अच्युत सिंह, इसका नाम है अच्युत सिंह। अच्युत सिंह, ठीक है, अच्युत सिंह का बेटा था, और इसका जो अच्युत सिंह का दीवान था ये कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब अच्युत सिंह उस समय राजा था तो ये भी कौन था, किंग था। ठीक है, ये भी जो था क्या था, किंग था, और इसका दीवान जो अच्युत सिंह का था ये कौन, जगबंधु पटनायक। जगबंधु पटनायक, ठीक है, ये अच्युत सिंह का जो है दीवान था। तो अर्जुन सिंह कहां का राजा था, पोरहाट का राजा था, और पोरहाट में कौन सा वंश चलता था, सिंह वंश चलता था। ठीक है, अब देखिए राजा अर्जुन सिंह की जो मृत्यु है, ऐसा पूछा जाता है कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु कैसे कहां पर हुई थी,
कैसे हुई थी नहीं पूछेगा, लेकिन कहां पर हुई थी? वाराणसी में हुई थी। कभी कभी पूछा जाता है कि राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु जो है वाराणसी में हुई थी। अब देखिए होता क्या है कि जो अर्जुन सिंह था, ठीक है, और उसका दीवान, ठीक है, तो चूंकि ये भी राजा था, पराट का राजा था अर्जुन सिंह, और इसका दीवान का नाम क्या है, ठीक है, इसका भी दीवान का नाम याद रखिए, जग्गू दीवान। क्या नाम था राजा अर्जुन सिंह का? दीवान का नाम जग्गू दीवान, ठीक है। इसका दीवान कौन था? नाम था जग्गू दीवान। इसी तरह नाम से पुकारते थे जग्गू दीवान। अब देखिए जो चायवासा का सैनिक जो था वो क्या कर रहा था, रांची की ओर जा रहा था, और रास्ते में जो है जो सराय किला खरसावां के जो राजा थे वो तो क्या थे कि अंग्रेज के सपोर्टर थे, ठीक है, अंग्रेज का सपोर्टर थे सराय किला और खरसावां के राजा, तो सराय किला के भी राजा थे और खरसावां के राजा थे, और दोनों राजा मिलकर जो है चायबासा के जो सैनिक हुआ था जो 1857 में विद्रोह में भाग लिए थे वो क्या कर रहे थे कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लूट कर वो रांची की ओर जा रहे थे, और जाने के क्रम में जो है संजय नदी पार करना होता है, और संजय नदी के पास जो है सराय किला और खरसावां के दोनों राजा रुके हुए थे, तो चायबासा के सैनिक कैसे पार करेंगे, तो पार किसने करवाया, इसी दोनों ने करवाया, अर्जुन सिंह और उसके दीवान जग्गू दीवान ने। और जब पार करवाता है तो वो क्या कहता है कि आप हमारे शरण में आ जाइए, अभी बाहर बहुत खतरा है, अर्जुन सिंह कहता है चायबासा के सैनिक से, ठीक है, और ये जो चायबासा का सैनिक है अर्जुन सिंह की बात को मानता है, लेकिन एक शर्त रहता है कि आपको जो है कसम खाना होगा, अपने जो देवी है कुल देवी है पौरी देवी की कसम खाना होगा, और ये अर्जुन सिंह ऐसा करता है, कसम खाता है, उसका विश्वास जीतता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र का प्रमुख नेता कौन था? राजा अर्जुन सिंह, ठीक है। देखिए राजा दुर्जनसाल जो है ये क्या है कि ये जो राजा हुआ करता था ये किसके में, जहांगीर के शासन टाइम में, जहांगीर के टाइम में ये राजा हुआ करता था, और ये जो है किसका, हीरे का बहुत बड़ा पारखी था, हीरे का बहुत बड़ा पारखी था, ठीक है, पारखी कौन, राजा दुर्जन सिंह, ठीक है। फिर यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बताता हूं, ठीक है, और ये नागवंशी राजा था, दुर्जनसाल जो है नागवंशी राजा था, और नागवंश का शासन काल कहां था, छोटा नागपुर खास में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ठाकुर विश्वनाथ सहाय, ठाकुर विश्वनाथ सहाय, तो ठाकुर विश्वनाथ सहाय जो है ये 1857 में 1857 में जो है कहां का किंग था, किंग ऑफ बड़कागढ़, बड़कागढ़, ठीक है, ये बड़कागढ़ जो था वहां का किंग था कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहाय 1857 के समय, ठीक है। अब टिकैत उमराव सिंह है, टिकैत उमराव सिंह जो है ये बंद गांव का राजा था, ये जो था ठाकुर टिकैत उमराव सिंह, उमराव सिंह जो था ये कहां का, 1857 के समय जो है बंद गांव का राजा था, ठीक है, बंद गांव, और बंद गांव जो है ये 12 जो है 12 गांव का जमींदार था, ठीक है, उमराव सिंह जो है 12 गांव का जो है जमींदार था, ठीक है, और उमराव सिंह का एक भाई भी था घासी सिंह, ये सब हो गया। देखिए झारखंड
कास्टेल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो कास्टेल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? विक्टर दास। याद रखना है कास्टेल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन थे? विक्टर दास। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु, चारों दिशाओं का जो है गुरु बोला जाता है, दिसोम गुरु इसका उपनाम है शिबू सोरेन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपने संस्थापक जमशेद जी नूसर वान जी टाटा के सम्मान में साक्ची शहर का नाम बदलकर जो है जमशेदपुर रखा था? तो ये कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे इंडिया के। कौन थे? वायसराय। ठीक है, वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, और कब से? 1916 से लेके 1921 तक, 1916 से लेके 1921 तक जो है ये भारत के जो है वायसराय थे। ठीक है, जनरल गवर्नर थे, और इनके द्वारा ही जो है साक्ची टू जमशेदपुर जो है नाम किया गया है। ठीक है, किसके ऑनर में? टाटा स्टील के फाउंडर टाटा स्टील फाउंडर कौन था? ये था जमशेद नूसर वानजी टाटा के, ये टाटा स्टील के जो है फाउंडर थे, उन्हीं के सम्मान में जो है ये नाम चेंज किया गया था। ठीक है, सम्मान में। ठीक है, इनका नाम जो है चेंज किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगर लॉर्ड इरविन के बारे में बोला जाए, लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन ने जो है जो आयसम धनवाद है, आयसम धनवाद का जो है इन्हीं के द्वारा जो है आयसम धनवाद का नींव रखा गया था। ठीक है, किनके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस का जो है रखा गया था नींव। चैपमैन, ठीक है, चैपमैन को जो है क्या बोला जाता है? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कि कौन है? झारखंड क्षेत्र का पहला जो नागरिक प्रशासक है ये कौन है? चैपमैन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। अब देखिए बोकारो स्टील प्लांट के बारे में जानते हैं, तो बोकारो स्टील प्लांट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 29 जनवरी कब हुआ था? 29 जनवरी 1964 को कहां पे? माराफारी। माराफारी एक जगह है, कहां पर है? बोकारो में है। ठीक है, बोकारो में है। किसकी मदद से हुई थी? रसिया, या इसको क्या बोलते हैं? सोवियत संघ भी बोलते हैं, सोवियत संघ पहले बोला जाता था, कि मदद से। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि ये जो बना था तीसरे पंचवर्षीय योजना,
ठीक है। तीसरा जो है पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वाटर का सप्लाई होता है, क्योंकि ये स्टील प्लांट है तो इसमें पानी की तो जरूरत है ही, तो इसमें जो कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई होता है, इसके अंदर दो डैम है इसी के नजदीक में। एक तेनू घाट डैम है और एक कौन है, गरगा डैम है। ठीक है, तेनू घाट डैम और गरगा डैम जो है इसी के नदी के किनारे है, और इस नदी के, किस नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे। ठीक है, दामोदर नदी के तट पर जो है तेनू घाट डैम है और गरगा डैम है, और इसी से पानी जो है कंटिन्यूअस जो है बोकारो स्टील प्लांट में जो है सप्लाई होता है। ठीक है, ये जो होता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो है क्या है, कार्यरत है। ठीक है, ये जो है किसके अंदर कार्यरत है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो है कार्यरत है। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोकारो स्टील प्लांट में आग की जो भट्टी होता है वो लगाई गई, एस्टेब्लिश कराई गई आग की भट्टी। ठीक है, ये भट्टी कब एस्टेब्लिशमेंट कराई गई थी, ये हो गया 2/10/1972 को। ठीक है, 2/10/1972 को जो है ये वर्किंग कंडीशन में आ गया। ठीक है, बट प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वो जो है 2/10/1972 को वर्किंग कंडीशन में आ गया, और प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ है ये कब, 1978 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 26 फरवरी 1978 से। और इसमें जो सबसे पहला इग्नोट स्टील बना है, इग्नोट स्टील बनने का काम जो पूरा हुआ है ये कब, 1978 में ही जाता है इग्नोट स्टील। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इसके लिए जरूरी क्या है बोकारो स्टील प्लांट में, कुछ इंपॉर्टेंट जो है खनिज इसको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे हो गया कोकिंग कोल, कुकिंग कोल, ये कहां से प्रोवाइड होता है, ये झरिया से प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह इसमें लॉयस्क आता है, ये लॉयस्क आता है, कहां से आता है लॉयस्क, ये आता है क्योंझोर से, क्योंझर। ठीक है, क्योंझर कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, क्योंझर हो गया उड़ीसा में। और चूना पत्थर और डोलोमाइट जो आता है ये कहां से आता है, चूना पत्थर हो गया या डोलोमाइट हो गया, ये कहां से आता है, ये एमपी से आता है, मध्य प्रदेश के कुटेश्वर से। ठीक है, कुटेश्वर एमपी में। तो नंबर सी जो है क्वेश्चन आंसर है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तोराई बांध जो है किस जिले में अवस्थित है, तोराई बांध जो है किस जिले में अवस्थित है, तो तोराई बांध कहां पर है, ये पाकुड़ में है। ठीक है, तोराई बांध झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो कहां पर है तोराई बांध, पाकुड़ में है। ठीक है, और तोराई नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि तेनू घाट बांध किस नदी पर बना है, तेनू घाट बांध जो है ये दामोदर नदी बांध, दामोदर नदी पे बना है, और कहां पर है, बोकारो में है। ठीक है, कहां पर है, बोकारो में है।
इसके अलावा जो है बोकारो में इंपॉर्टेंट जो बांध है कौन कौन सा है? एक चंद्रपुरा बांध है, चंद्रपुरा बांध है, ये भी कहाँ है? बोकारो में, ठीक है, जो कि कब बना है? 1965 में इस बांध का जो है निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है चंद्रपुरा जो है बांध है कहां पर है? बोकारो में है। और किस नदी पर है? बोकारो नदी में, ठीक है, बोकारो नदी में है। यहां पर क्या है? थर्मल पावर प्लांट है, बोकारो में जो है बोकारो थर्मल पावर प्लांट है। देखिए बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि बोकारो ताप विद्युत, ठीक है, बोकारो ताप विद्युत केंद्र जो है कहां पर है? चंद्रपुरा बांध में, चंद्रपुरा में ही है, जो कि बोकारो के अंदर आता है, ठीक है। और किस नदी पर है? बोकारो नदी पर। बोकारो नदी कहां से निकलती है? ये कहां से इसका ओरिजिन है? हजारीबाग से है। ओरिजिन कहां पे है? हजारीबाग से इस नदी का ओरिजिन, ठीक है। और ये बिजली प्रोडक्शन का काम कब से स्टार्ट किया था? 1953 से, ठीक है। तो तेनुघाट बांध जो है कहां पर है? ये भी बोकारो में है। डैम का निर्माण कब होता है? ये डैम जो बनता है ये कब बनता है? 1978 में, ठीक है। डैम जो बनता है ये कब बनता है? 1978 में डैम बनता है। और ये जो है इसमें एक तेनुघाट जो है ये भी क्या है? ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। तेनुघाट ताप विद्युत केंद्र, तेनुघाट ताप विद्युत जो है केंद्र है, ये कब बनता है? 1919 बनता है, ठीक है। कब बनता है? 1990 में बनता है। कहां पर? बोकारो में ही बनता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट याद कीजिए कि पतरातु, ठीक है, पूछा जा सकता है कि पतरातु जो है ये भी जो है ताप विद्युत केंद्र है। क्या है उसका नाम? पतरातु, ये पतरातु ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? पतरातु ताप विद्युत केंद्र जो है ये कहां पर है? रामगढ़ में है, ठीक है। और इसका निर्माण कब होता है? 1973 में, रूस की मदद से, रूस की मदद से, या हम कह सकते हैं सोवियत संघ की मदद से इसका निर्माण होता है। और इंपॉर्टेंट है कि कब होता है? फोर्थ पंच वर्षीय योजना, ठीक है, चौथा जो है पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से जो है अच्छी नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है इसका रंग जो है गहरा क्या होता है? लाल होता है, गहरा जो है लाल होता है। देखिए झारखंड की अगर बात करेंगे तो 90% एरिया में लगभग जो होता है क्या है? लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी का जो रंग लाल होता है ये किसके? फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। और चूंकि लेटराइट मिट्टी में जो है लाल मिट्टी के कंपेरिजन में ज्यादा क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका जो है रंग जो होता है गहरा लाल होता है। इस मिट्टी में जो है क्या है? कंकड़ की अधिकता होती है, कंकड़ की जो है अधिकता होती है। और कंकड़ की अधिकता होने के कारण जो होता है ये मोटे अनाज के लिए जो है बेहतर माना जाता है, मोटे अनाज के लिए जो है
क्या माना जाता है? बेहतर माना जाता है। इसकी उर्वरकता कम होती है, उर्वरकता जो है कम होती है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो है अधिकता होती है, इसी कारण से जो है इसकी उर्वरकता भी होती है, कम होती है। कंकड़ भी इसमें बहुत अधिक होता है। और ये जो है ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहां पर जलवायु क्या होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन वाले क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन वाले क्षेत्र में जो है अधिकतर रूप से जो है लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, जहां पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है, वर्षा जो है जहां पर अधिक होगा, यानी कि जहां पर मानसून जो है बहुत अच्छा होता है, वहां पर भी क्या हो, लेटराइट मिट्टी पाया जाएगा। तो कहां पर ऐसा क्षेत्र है, नेतरहाट में। लगभग यहां जो वर्षा होती है कितनी, 180 सेंटीमीटर होती है, पूरे झारखंड में सबसे अधिक। तो ये कहां कहां पाया जाता है, बेसिकली ये जो झारखंड का क्षेत्र है मान लीजिए, तो ये हो गया ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जो है, यानी ये वाला जो एरिया है, ठीक है, पाट का क्षेत्र में लगभग जो है यहां पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है, लेटराइट सॉइल पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र में जो है क्या होगा, ढालभूम का क्षेत्र है, तो यहां भी लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। यानी कि ये किस कौन सा क्षेत्र है, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र में हम बोल सकते हैं, और ये वाला जो है रांची का, अगर हम बात करें रांची के में जो है पश्चिमी क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। और राजमहल की बात करेंगे तो ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो होता है राजमहल क्षेत्र में जो है ये लेटराइट सॉइल है, और इसके बगल में जो है ये क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी जो है ये लेटराइट मिट्टी के बगल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी जो है इसका रंग काला क्यों होता है, और ये ऐसे जगह पर इसका निर्माण होता है जहां पर लावा निकला था, ठीक है, जहां भी लावा निकलेगा काली मिट्टी जो है वहां वहां पाया जाएगा। और इसका रंग काला जो होता है ये किसके कारण, टिटेनी फेरस, इसमें जो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के कारण जो इसका रंग काला होता है। और इसको जो होता है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काले मिट्टी का जो उपनाम है एक रेगुर मिट्टी, कहीं कहीं जो है काली मिट्टी भी बोलेंगे और रेगुर मिट्टी भी बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है, अगर झारखंड के पहले कॉलेज का नाम पूछा जाए तो सेंट कोलंबा कॉलेज, इसको जो है सेंट कोलंबस या कहीं कहीं सेंट कोलंबा कॉलेज भी लिखा जाता है। और ये कहां पर है, हजारीबाग में है, हजारीबाग में होता है, ठीक है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1899 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और बाद में जो है इसको, इस कॉलेज को जो है लेटर यानी कि बाद में जो है कब, 1992 को इसको किसका हिस्सा बना दिया गया, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का हिस्सा, 1992 को जो है विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे, इसमें क्या होगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो है, भावे यूनिवर्सिटी का जो है हिस्सा बना दिया गया, हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट जो है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, जे हॉफमैन, क्या नाम है इनका, जे हॉफमैन, ठीक है। अब देखिए इनसाइक्लो, अब इसको जो लिखा गया जे हॉफमैन के द्वारा, ये कब लिखा गया, 1915 में लिखा गया है, 1915 में जे हॉफमैन के द्वारा क्या लिखा गया है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया था,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलीपुर जेल जो है भेज दिया गया। देखिए ये बात हो रही है कहां की, मानभूम का, जो अभी जो है धनबाद का क्षेत्र कहलाता है। मानभूम में 1857 के समय क्या हुआ था कि, ये बात हो रही है कब, एग्जैक्ट अगर डेट बोला जाए 5 अगस्त 1857 में, 5 अगस्त 1857 में, ठीक है। और यहां इस क्षेत्र का जो कमिश्नर था ये कौन था, जी एन ओकस, ठीक है, कौन था, एक अंग्रेज अधिकारी बोलिए, कमिश्नर था इस क्षेत्र में 5 अगस्त 1857। देखिए अब चुके इसका सपोर्टर कौन होता है, इस अंग्रेज अधिकारी का जो सपोर्ट करता है, ये हो जाएगा मुकुंद नारायण देव, जो कि मानभूम का राजा था, मुकुंद नारायण देव, ठीक है, मुकुंद नारायण देव जो कि मानभूम का जो है क्या था, राजा था, ठीक है। मानभूम का राजा कौन था, मुकुंद नारायण देव, और ये जो है जीएन ओकस जो कि मानभूम क्षेत्र में क्या थे, कमिश्नर के पद पर थे, उनका जो है सपोर्टर था। लेकिन जो अगेंस्ट में था ये कौन था, राजा नीलमणि, पंचेत के राजा थे नीलमणि, राजा नीलमणि जो है अगेंस्ट में थे। और ये जो है चूंकि संथाल विद्रोह इस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो संथाल विद्रोही के जो है सपोर्ट में थे, ठीक है, संथाल विद्रोही के जो है सपोर्ट में थे, और इनको जो है इसी कारण से अलीपुर जेल जो है भेज दिया गया, ठीक है। और अलीपुर जेल अगर पूछा जाएगा कहां है, तो ये कलकत्ता में है, यहां पर एक जू भी है अलीपुर जू। तिहाड़ जेल कहां है, दिल्ली में है, पटना जेल पटना, भागलपुर जेल भागलपुर में होगा। वेनसोंग कांगजाल, ठीक है, ये कांजांगल जो है राजमहल का पुराना नाम है, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के समय में जो है वेनसोंग से कहां पर मिलता है, हर्षवर्धन राजमहल के क्षेत्र में, राजमहल कहां है, कांगजल कहां है, राजमहल में है, ठीक है, इसमें आज कुछ भी नहीं। और वेनसोंग जो है एक चीनी यात्री था। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो बंगाल के क्षेत्र, बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से गुजरा था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था, सेनापति था ये कौन था, बख्तियार खिलजी था, ठीक है, ये जो था कौन था, बख्तियार खिलजी था। अब बख्तियार खिलजी जो है क्या करता है कि जब बंगाल जा रहा होता है, कौन था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। अब ये क्या होता है, कहां पर जाता है, बंगाल जाता है, ठीक है, झारखंड से होकर, कहां पर, बंगाल, बंगाल में कहां पर, नदिया, नादिया या नदिया, ठीक है, नदिया, नदिया बंगाल जा रहा होता है, कहां पर, नदिया पर जो है आक्रमण करने, ठीक है। और यहां पर जो है नदिया में उस समय जो है कौन सा वंश था, सेन वंश था, सेन वंश का शासक जो था उसका नाम क्या है, लक्ष्मण सेन, ठीक है, नदिया पर आक्रमण करने गया था। और इस समय राजा कौन था, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, तो उस समय जो है ये झारखंड से हो गया गुजरा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बख्तियार खिलजी। नोट इसमें क्या है, दो है, इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश है और प्लस बलवन है, ठीक है। ये दोनों जो है किस वंश के थे, गुलाम वंश के थे, गुलाम वंश। और इन दोनों के समय में जो है झारखंड में प्रभाव इनका नहीं था, झारखंड जो है
मुक्त रहा। क्यों मुक्त रहा, रीजन क्या था? क्योंकि यहां पर एक जो है बहुत शक्तिशाली जो है नागवंशी राजा हुआ करता था, उसका नाम क्या था? राजा हरिकर्ण। ठीक है, राजा हरिकर्ण, ठीक है, नागवंशी राजा। ठीक है, तो इसी के भय से ठीक है, चूंकि ये बहुत शक्तिशाली हुआ करता था राजा हरिकर्ण, और इसी कारण से जो है गुलाम वंश जो है यहां पर अधिकार अपना नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इसको नामक स्थान से आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं, इसको किस जिले में? इसको जो है हजारीबाग में है। देखिए, हजारीबाग की बात करेंगे तो यहां जो अवशेष मिले हैं, कौन कौन सा अवशेष मिला है इंपॉर्टेंट? नंबर वन जो मिला है यहां पर, खुला सूर्य मंदिर मिला है। ठीक है, खुला सूर्य मंदिर मिला है। फिर इसके अलावा जो है यहां पर क्या मिला है? शैल चित्र दीर्घा मिला है, शैल, शैल मतलब दीवार पर उकेरा गया चित्र, शैल चित्र दीर्घा मिला है। इसके अलावा जो है यहां पर क्या? नक्षत्र मंडल मिला है, नक्षत्र मंडल मिला है। इसके अलावा जो है यहां पर और क्या मिला है? अंतरिक्ष यान मिला है। ये सभी इसको से मिले हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यान मिला है। इसके अलावा जो है यहां पर बर्फ आयु की गहरी, ठीक है, भूमिगत गुफा मिला है, यानी कि जो बर्फ का होता था समय, जहां पर बर्फ ही बर्फ था, बर्फ आयु की भूमिगत गुफा, भूमिगत गुफा। ठीक है, इस सभी क्षेत्र ये जो है सभी कहां से? हजारीबाग से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जयपाल सिंह का विवाह व्योम चंद्र बनर्जी की पुत्री तारा मजुमदार से हुआ था, व्योम के व्योमेश चंद्र बनर्जी किस पार्टी से था? देखिए, अगर जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे, जिसको मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी जो है दो शादी हुई थी, टू मैरिज हुआ था। पहली पत्नी जो थी, ठीक है, इससे जो है दो पत्नियां थी। जो पहली पत्नी है उसका नाम क्या है? तारा मजुमदार, तारा मजुमदार। और जो है ये व्योमेश, व्योमेश चंद्र बनर्जी, की पुत्री है। और ये जो व्योमेश चंद्र बनर्जी है, ये क्या था? ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हीं के पुत्री थी तारा मजुमदार, जो कि जयपाल सिंह मुंडा का जो है पहला पत्नी था। और दूसरी अगर पत्नी की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? दूसरी पत्नी कौन थी? जहां आरा, जहां आरा, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी, जो ब्रिटिश फौज के जो है कर्नल रोनाल्ड, कार्टिस, ठीक है, की पत्नी थी। ये कौन था? अंग्रेज अधिकारी था ये, अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन था? तो झारखंड का जो पहला अशोक चक्र प्राप्तकर्ता जो है रणधीर वर्मा है, और अशोक चक्र जो है बहुत ही बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा, और ये आपको यार 1991 में जो है इनको दिया गया था, और अगर पहला जो है परमवीर चक्र पूछा जाएगा, झारखंड फर्स्ट
वीर चक्र, ठीक है, तो किसको मिला था ये? लांस नायक, लायंस नायक अल्बर्ट एक का, अल्बर्ट एक्का को मिला था, ठीक है, एक्का को मिला था। और कैसे मिला था? मरणोप्रांत, मरणोप्रांत मिला था, ठीक है, मरणोप्रांत नहीं, मरणोपांत, उपरांत को लिखते हैं मरने के बाद, शहीद होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि विनोद बिहारी महतो ने किस समाज की स्थापना की थी? तो विनोद बिहारी महतो के द्वारा जो है शिवाजी समाज का स्थापना किया गया था। और ये जो है किस समाज से थे? कुर्मी समाज से थे, कुर्मी समाज से ये संबंधित थे। और ये जो शिवाजी समाज की स्थापना की गई थी, ये क्यों किया गया था? कुर्मी समाज में जो सामाजिक कुरीतियां था उसको दूर करने के लिए, कुर्मी समाज में जो सामाजिक कुरीतियां थी, कुरीतियां थी को दूर करने हेतु, ठीक है, हेतु। अब देखिए इनका जो है जो 1973 में क्या बना था? जेएमएम बना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। उसके जो संस्थापक थे, वन ऑफ संस्थापक कौन थे? ये थे विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो, ठीक है। और ये क्या थे? जेएमएम के अध्यक्ष थे। और महासचिव की बात करेंगे तो कौन थे जेएमएम के महासचिव? जेएमएम के कौन थे? सीबू सोरेन, दिसोम गुरु सीबू सोरेन, ठीक है। किसकी बात हो रही है? जेएमएम की बात हो रही है, ठीक। सनातन आदिवासी समाज, सनातन आदिवासी समाज या सभा बोलिए, इसका जो है कौन था? ठेबले उरांव, ठेबले उरांव था। और कैथोलिक आदिवासी सभा नहीं, कैथोलिक आदिवासी जो है, ठीक है, कैथोलिक आदिवासी सभा, कैथोलिक आदिवासी सभा, ठीक है। तो कैथोलिक आदिवासी सभा जो है, या कैथोलिक सभा हम करेंगे, ये कब बना था? 1933 में बना था, इसकी बात हो रही है, कैथोलिक आदिवासी सभा। और कौन? बोनिफस लकड़ा, इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। और इग्नेस बैक, बैक ये क्या थे? महासचिव थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश के विरुद्ध में खेला था? तो ये क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। देखिए एक दिवसीय क्रिकेट मैच मतलब ओडीआई है, तो पहला जो ओडीआई खेला था, फर्स्ट ओडीआई किसके? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ कब खेला था? 2004 में खेला था, 2004 में खेला गया था, ठीक है। और जो लास्ट था ये किसके अगेंस्ट में खेला था? 2019 में अफगानिस्तान, ये न्यूजीलैंड, किसके है? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कब? 2019 में। ये हो गया। टेस्ट मैच की अगर बात करेंगे तो पहला जो खेला था ये किसके खिलाफ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नहीं, ये
श्रीलंका के खिलाफ खेला था, पहला जो है श्रीलंका के खिलाफ कब 2005 में, और लास्ट जो खेला था टेस्ट मैच ये कब खेला गया था ऑस्ट्रेलिया 2014 में खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है 2014 में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था, ठीक है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आते हैं T20 की अगर बात करेंगे तो पहला जो T20 खेला गया था ये 2006 में खेला गया था, कौन खेला था साउथ अफ्रीका, और लास्ट जो खेला था ये भी कब 2019 में ऑस्ट्रेलिया 2019 में, ठीक है। पहला जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेला था ODI 2004 में, लास्ट न्यूजीलैंड 2019 में, फिर श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद T20 का पहला 2006 में साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए इस बार का जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो है ये जर्सी कितने नंबर के पहनते, 7 नंबर का। अब जो है इनको एक ये सम्मान दिया गया है कि जर्सी नंबर जो 7 है वो अब किसी को नहीं दिया गया, ये रिटायर कर दिया गया है, BCCI ने इसको रिटायर कर दिया गया है, रिटायरमेंट इनको दे दिया गया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है धोनी के लिए। भूमिज विद्रोह जो है कब होता है, भूमिज विद्रोह कब होता है 1833 से लेके जो है कब चलता है 34 तक चलता है, 1833 से लेके कब तक चलता है 34 से चलता है, और गंगा नारायण इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, गंगा नारायण का हंगामा, तो नाम से ही पता चलता है गंगा नारायण के द्वारा किया गया था, और ये किसका पुत्र था लक्ष्मण सेन का पुत्र था, ठीक है लक्ष्मण का पुत्र था, ठीक है। ये याद रखिए कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था 1833 से लेके 34 तक, ठीक है। इसको जो है चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है, भूमिज विद्रोह को जो है चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। और ये कहां पर हुआ था, जंगल महल वाले क्षेत्र में, जंगल महल वाले क्षेत्र में हुआ था चुआड़ विद्रोह। और जंगल महल वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, एक तो सिंहभूम का क्षेत्र आता है, सिंहभूम का, फिर कौन सा क्षेत्र आता है, एक आपका बीरभूम हो गया, ठीक है बीरभूम हो गया, और ढालभूम हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्र जो होता है जंगल महल में आता है, और इसी में जो है भूमिज विद्रोह हुआ था, और किसके अगेंस्ट में हुआ था, ये बड़ा भूम का राजा था, बड़ा भूम के पुराना नाम क्या है बीरभूम का जो एरिया आता है पहले बड़ा भूम के नाम से जाना जाता था, बड़ा भूम का जो राजा था उसके अगेंस्ट में जो है ये किया गया था, और इसके में जो है अंग्रेज अधिकारी भी थे, ठीक है अंग्रेज अधिकारी भी था, ठीक। इसकी अगर मृत्यु बोलेंगे, जो गंगा नारायण की मृत्यु जो होता है कब होता है 1833 में होता है, ठीक है ड्यूरिंग चेतन सिंह जो खरसावा के राजा थे से लड़ते वक्त, और इनके ऊपर जो है कितना था, सॉरी 1833 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है चेतन सिंह जो कि खरसावां के राजा थे उससे लड़ते वक्त जो है गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है, और क्या करता है कि चेतन सिंह जो है ये क्या करता है कि गंगा नारायण का सर काट कर विल्किंसन
किसको भेज देता है? विल्किंसन को भेज देता है, और विल्किंसन जो होता है इससे काफी खुश हो जाता है। ठीक है, विल्किंसन को भेज देता है और ये जो है 5,000 रुपए का इनाम, ठीक है, 5,000 रुपए का जो है इनाम देता है किसको? चेतन सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सेनापति शाहबाज खां ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया, उसे मुगलों का जो है अधीनस्थ बनाया? तो ये कब की बात हो रही है? ये 1585 की बात हो रही है। और ये जो मुगल सेनापति शाहबाज खां जो है किस समय जो है बिहार का सूबेदार था? तो ये जो है अकबर की बात हो रही है, अकबर के समय। ठीक है, अकबर के समय अकबर का सेनापति था कौन? शाहबाज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि 1872 ईस्वी का जो है पहली जनगणना में कितने जनगणनाओं को जो है सूचीबद्ध किया गया था, कितने जनजातियों को सूचीबद्ध किया था 1872 के जनगणना में? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 18 जनजातियों को जो है सूचीबद्ध किया गया था। जो फर्स्ट जनगणना हुआ था ये कब हुआ था? फर्स्ट जनगणना 1872 में, ठीक है, 1872 में जो है पहला जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो इस समय जो थे क्या थे? वायसराय थे। जो अगर बोला जाए कि नियमित जनगणना जो है, नियमित जनगणना कब होता है? 1881 में होता है, ठीक है, और ये किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में जो है जनगणना होता है। ये किसकी बात हो रही है? भारत की बात हो रही है, ठीक है, चूंकि भारत है तो झारखंड में भी एरिया भारत के अंदर ही आता था। और ये हम कह सकते हैं 2011 तक 15 बार जनगणना हुआ है और प्रत्येक जो है 10 वर्ष में जनगणना होता है। अच्छा, जनगणना में एक्ट कौन सा आता है, किस एक्ट के तहत ये जनगणना किया जाता है? 1948। अगर हम जनगणना की इतिहास के बारे में बोलेंगे तो ये जो है कब से स्टार्ट हुआ है? 1800। कहां से? इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1930 को जो है स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट होता है ये कब होता है? ये 12 मार्च से स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 से। कहां से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम, ठीक है, आश्रम से जो है स्टार्ट होता है। और एंड किस दिन होता है, कब तक चलता है? 6 अप्रैल 1930 को। कहां पर? पैदल जाते हैं टांडी, और यहां पर नमक कानून को तोड़ते हैं नमक बनाकर, ठीक है, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। और कौन तोड़ते हैं? गांधी जी तोड़ते हैं। ये यात्रा जो है किससे रिलेटेड है? गांधी जी से रिलेटेड है। और अगर हम कह सकते हैं कि रांची में भी हो रहा था तो झारखंड में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र, ठीक है, तो कहां पर? अगर झारखंड में बात किया जाए तो रांची में हुआ था, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है एक क्या था? स्वदेशी सप्ताह था जो कि सितंबर 1930 में, और एक जवाहर सप्ताह था, यह भी याद रखिए, जवाहर सप्ताह था जो कि कब? नवंबर 1930 में,
नवंबर 1930 में जो है मनाया गया। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? तो झारखंड पार्टी की स्थापना जो होता है 1950 में होता है, और झारखंड पार्टी का जो पहला अध्यक्ष है, ठीक है, जो पहला अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह मुंडा हो गया, और कहां पर? जमशेदपुर में। इसकी स्थापना कहां होती है? जमशेदपुर में जो है इसका स्थापना होता है। आदिवासी महासभा का नाम बदल दिया गया, चेंज करके जो है रखा गया, क्या हो गया? झारखंड पार्टी। ठीक है, तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।